इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्क कंट्रोलर के बारे में कि उसके टास्क क्या 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 होते हैं। डिस्क कंट्रोलर अब क्या होता है? डिस्क कंट्रोलर ऑपरेशंस ऑफ ए डिस्क ड्राइव कंट्रोल्ड बाय ए डिस्क कंट्रोलर सर्किट। जितने भी ऑपरेशन होते हैं डिस्क ड्राइव में, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? डिस्क कंट्रोलर के द्वारा। और विच प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द डिस्क ड्राइव एंड द बस, जो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है डिस्क ड्राइव और बस के बीच में, दैट कनेक्ट्स इट टू द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि इस पूरे की पूरी बस को पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ता है। द डिस्क कंट्रोलर मे बी यूज टू कंट्रोल मोर देन वन डिवाइस। एक डिस्क कंट्रोलर एक डिवाइस से ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एक डिस्क कंट्रोलर का बहुत ही मेन टास्क इधर भी देखने को मिलता है कि जैसे DMA हो गया। DMA में क्या करते हैं अपन कि पहले तो डिस्क कंट्रोलर बफर से बोलता है डाटा को पूरा का पूरा रीड करके, बफर में इंटरनल बफर में वो उसको रिस्टोर करता है और उसके बाद उसे वो मेमोरी में सेंड करता है, जिससे कि हमारी जो मेमोरी की साइकिल है वो बच जाती है। तो DMA में भी इसका बहुत ही एक मेन रोल है डिस्क कंट्रोलर का, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए, जैसे मेन मेमोरी एड्रेस है, तो द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मेन मेमोरी लोकेशन ऑफ द बर्ड इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर। और डिस्क एड्रेस में देखिए, द लोकेशन ऑफ द सेक्टर कंटेनिंग द बिगिनिंग ऑफ द डिजायर्ड ब्लॉक ऑफ द वर्ड्स। नाउ वर्ड काउंट, द नंबर ऑफ द वर्ड्स इन द ब्लॉक टू बी ट्रांसफर्ड। जितने भी नंबर ब्लॉक्स में होते हैं वो ट्रांसफर करने के लिए भी वर्ड काउंट का यूज़ होता है। ये डिस्क कंट्रोलर्स में होते हैं। थैंक यू।